हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। लाखों अभ्यर्थियों का बिहार दरोगा की नई भर्ती का इंतजार है। काफी अभ्यर्थी कल से ही बार बार पूछ रहे हैं कि सर, जो नई भर्ती आने वाला है उस बारे में एक छोटे से वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए। ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाला है। लगातार तीन दरोगा की भर्ती आपको देखने को मिलेगा इसी साल में, और फर्स्ट जो दरोगा की भर्ती होने वाला है जो बीपीएससी कराएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि उसका नोटिफिकेशन कब से देखने को मिल जाएगा। काफी अभ्यर्थियों का एक ही सवाल था कल से, तो काफी लोगों ने मैसेज भी किया, कमेंट भी किया कि सर बताइए इस बारे में क्या है। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दरोगा जो भर्ती होता है लेवल 6 का जॉब होता है, बेसब्री से इंतजार होता है कि दरोगा में हमको जाना है। फिजिकल भी होता है, रिटेन भी होता है, मेरिट बनता है। बहुत से लोग बाहर भी हो जाते हैं, फिर अगले चांस का इंतजार करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि जो तीन भर्ती देखने को मिलेगा, ये कौन कौन भर्ती होगा उस बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये कौन कौन भर्ती होगा और ये कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब तक ये भर्ती देखने को मिलेगा। ये तीन भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कल भी मैं इस बारे में सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कल समय नहीं मिल पाया था, क्लास कराने के चलते इतना क्लास था, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को इस बारे में जानकारी दूं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो भर्ती था, ये स्लाइड बनाया गया था कल ही का और ये दोपहर में। तो ये जो आपको तीन भर्ती देखने को मिलेंगे, ये तो दरोगा के मिलेंगे ही आपको। फिर देखिएगा, खनन विभाग में इंस्पेक्टर का भी पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ पोस्ट जो होंगे ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं, लेकिन सभी पोस्ट नहीं होते हैं। फिर आपको हाई कोर्ट में भी जो भर्ती आने वाला है 500 से अधिक पोस्ट पर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आज के न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखिएगा, हर जगह निकला हुआ है। ये जो मैं समझाऊंगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग खनन विभाग की बात करते हैं। तो खनन विभाग में जो भी इंस्पेक्टर का पद सृजित किया जाता है, ये आपको बहुत समय अंतराल सृजित किया जाता है। ठीक, बीएसएससी इसका एग्जाम आपको कंडक्ट कराता है। तो ये जो होगा, टोटल देखा जाए तो 2224 पोस्ट है। टोटल 2224 पोस्ट में ये देखना है कि जो जिस पर आप लोग डायरेक्ट फाइट कीजिएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला ना, उसमें कितना पद आता है जिसके लिए आप लोग एग्जाम दीजिएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया जल्द ही आ जाएगा। उस बारे में मैं फिर आपको अगले दिन बात करूंगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है। ये दरोगा का टोटल देखा जाए तो 1456 पोस्ट था। 1456 पोस्ट है। 1456 पोस्ट में क्या इस बार टोटल इतना ही पोस्ट देखने को मिलेगा? नोटिफिकेशन भी मैं आगे के स्लाइड में लगाया हूं, भी देखिएगा। तो टोटल 1456 नहीं आपको मिलेगा, ये आपको दिखेगा तीन बार में ये भर्ती कंडक्ट कराने जाएगा। ठीक, पहले आपको देखिए पूरा पटना को देखा जा रहा है। पूरा पटना में देखिएगा, बेली रोड हो गया, इनकम टैक्स चौराहा हो गया, गांधी मैदान देखिए, जहां भी देखिए बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया गया है मुख्यमंत्री जी के साथ, और दिया है कि 112 डायल कीजिए इमरजेंसी, आपको जो सपोर्ट चाहिए। तो आप, तो इमरजेंसी सपोर्ट होता क्या है, अलग अलग राज्यों में आप देखिएगा, बड़े बड़े आपको देखिएगा सिटी में ये सब पहले से था। और जैसे ही, जैसे मान लीजिए कि आपको तत्काल पुलिसकर्मी की जरूरत है, सुरक्षा के सवाल है या कोई भी सवाल हो, तो वो जल्दी से आ जाते हैं। तो उनका काम भी बहुत जल्दी पहुंचना होता है, इसलिए देखिएगा कि इनका घंटा भी, इसकी 8 घंटा निर्धारित रहता है। और पुलिसकर्मी जो सामान्य पुलिसकर्मी है उस तरह नहीं, पहले इसमें ही आप देखिएगा इसे ट्रायल के तौर पर सामान्य पुलिसकर्मी से दरोगा कर लिया गया, कॉन्स्टेबल कर लिया गया, ड्राइवर कर लिया गया, लेकिन अब ऐसा महसूस होने लगा कि लगभग चाहिए, अच्छा खासा लोगों को चाहिए। तो ये 17,000 से अधिक पदों पर देखिएगा कि ये भर्ती के लिए आपको कि कहा गया था कि ये दो बार में ये भर्ती कंडक्ट कराया जाएगा, 17,000 से अधिक। तो ये पहला मैं आपको बता रहा हूं जो कि तीन चरण में होने वाला है। पहले आपको पटना वाला क्षेत्र में देखिएगा, फिर 40 जो पुलिस मुख्यालय है, और फिर एक आपको आगे भी मैं आपको जानकारी दूंगा कहां कहां पर ये आपको होने वाला है। ठीक, तो ये टोटल अगर देखा जाए तो इसमें से 800+ पदों पर आपको भर्ती मिलेगा दरोगा का। और दरोगा का वही भर्ती भरते हैं जो कि ग्रेजुएशन किए रहते हैं। ठीक, यानी कि आपके ग्रेजुएशन किए रहना चाहिए, और आपको ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आपको फिजिकल भी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। दरोगा का जो भी भर्ती अभी लेता है, पहले बीएसएससी लेता था, लेकिन 2017 के बाद आप देखिएगा कि ये कौन लेता है, बीपीएसएससी लेता है आपका। दरोगा का एग्जाम कंडक्ट कराता है पीटी मेंस, उसके बाद आपको बनता है फिजिकल, और फिजिकल होने के बाद आपको जो मेंस में पेपर होता है सेकंड सामान्य अध्ययन वाला, उस पर मेरिट बनता है। ठीक, तो ये आपको देखिएगा, ये आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे 800+ सीट है। फिर आपको मध्य निषेध दरोगा, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं सर मध्य निषेध दरोगा का नहीं आया, 2017 के बाद भर्ती नहीं आया, भर्ती देखने को नहीं मिल रहा है, यानी एक्साइज ये सब इंस्पेक्टर की बात किया जा रहा है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा जॉब है ये वाला जॉब जो है ना दरोगा का, इसके हजारों अभ्यर्थी इंतजार करते हैं। अब कहां इंतजार करते हैं आप सोच सकते हैं इसका, तो ये 943 पोस्ट खाली है। 943 पोस्ट में ये देखना है कि इस बार कितना भर्ती आने का है, लेकिन मैक्सिमम भर्ती आपको देखने को मिलेगा 943 पोस्ट में से, इस बात को आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, अभी देखिएगा कि एक्साइज कॉन्स्टेबल का लगातार भर्ती हो रहा है, लगातार 3 बार से 4 बार से एक्साइज कॉन्स्टेबल का भर्ती हो रहा है, बट दरोगा का भर्ती देखने को नहीं मिल रहा है। तो दरोगा वैसे भी कम होते हैं कॉन्स्टेबल से, लेकिन जो पद सृजित किया गया है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टेबल का पद सृजित किया जाता है, उसमें दरोगा का भी होते हैं, लेकिन दरोगा इतना बड़े स्तर पर एक्साइज कॉन्स्टेबल में नहीं निकलता है। तो इसे भी कई चरणों में आपको किया जाएगा, जिसमें टोटल देखा जाए तो 943 मध्य निषेध दरोगा है। ठीक, फिर हम बात करेंगे सामान्य दरोगा, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार होता है।
समान दरोगा हर दो साल के बाद आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस बार डिले हो चुका है, काफी डिले हो रहा है, क्योंकि पहले वाले जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया है। पहले यह था कि डुमराव जो है वहां पर ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, फिर वही वो भी प्लान कैंसिल हो गया। सो अपने जहां पर उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है वहीं पर वो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं और फिर उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, तो प्रोसेस में लंबा समय लगता है। पिछले वाले ट्रेनिंग कंप्लीट होगा फिर इन लोगों का ट्रेनिंग पर भेजा जाए, ऐसे आपको समय लग जाता है। ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड ही समझो उसको होता है, इतना आसान भी उसे लेकर नहीं चलना है, क्योंकि उसमें भी सीआरपीसी आईपीसी और भी बहुत से पुलिस मैनुअल पढ़ने को मिलता है। ठीक, एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको पास भी करना पड़ता है, तो सिर्फ ये एग्जाम ही पास नहीं करना है, वहां भी पास करना है, लेकिन ये जो पढ़ाओ पास कर जाओगे तो वो तो आराम से पार कर जाओगे। ठीक, तो ये जो है टोटल देखा जाए तो 2353 दरोगा के ये बन रहा है कि मंथन हो रहा है कि इतना इस बार बहाली 2353, मतलब कि देख सकते हो अच्छा खासा पोस्ट इस बार भी आने वाला है। 2353 पोस्ट अच्छा खासा कहलाता है पोस्ट, और इतना पोस्ट पर आपको बहाली होने की योजना बनाया जा रहा है। अब देखिए मुझे लगता है कितना पोस्ट आ जाएगा, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप लोगों का अलग सुझाव है तो। मुझे ये लगता है कि ये भर्ती जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीका से आप देखिएगा कि पुलिसकर्मी रिटायरमेंट हो रहे हैं और दो दो साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं वही आपको भर्ती में, मैं पहले भी आपको आज से दो साल तीन साल पहले वीडियो बनाकर बताया था कि वो जो आपको होगा ना, वो आपको जो पुलिसकर्मी की जो लगातार बहाली हो रहा है उसे डिले कर देगा, वो देखने को आपको मिल रहा है। आज से दो साल पहले का आप न्यूज़पेपर निकालिएगा जिस समय यह कहा गया था कि जो रिटायर हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनके रखा जाएगा और उनको वही काम होगा, पैसा भी दिया जाएगा, तो वो अभी चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप देखिएगा हर साल 4 से 5 हज़ार जो है दरोगा और पुलिसकर्मी होकर रिटायर होते हैं, लेकिन वो तो मिल भी तो जाते हैं, रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पिछला जो रिटायरमेंट हुआ वो लोग 2 साल के लिए जॉब करने आ जाते हैं तो मिल जाते हैं। अगर वही नहीं मिलते तो बिहार में पुलिसकर्मियों का रेशियो देखा जाए तो सबसे निचले पैदान पर आता है बिहार का, पूरे राज्यों में अगर देखा जाए तो। सिर्फ यहाँ पर यह है कि महिलाओं के अकॉर्डिंग ये सबसे टॉप पर आता है, तो वो जो प्रचार किया जाता है वो सिर्फ महिलाओं का चेहरा दिखाकर किया जाता है, हकीकत जब आप पूरा डाटा देखिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है तो दिक्कत हो जाएगा। हाईकोर्ट भी पिछला जो जितना भर्ती हुआ है उसमें हाईकोर्ट ने दखलअंदाजी किया है और हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ है। इस बार भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट बोलेगा कि जो जिस तरीका से पुलिसकर्मी की कमी हो रहा है उसको पूर्ति किया जाए। ठीक, अब यहां पर देखिए, अब यहां से शुरुआत होता है, आज के न्यूज़पेपर है ये, आज के न्यूज़पेपर में आप देखिएगा अलग अलग न्यूज़पेपर में है, मैं एक न्यूज़पेपर का आपको कटिंग ले लिया हूं और यहां से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, एक मिनट, यहां से मैं आपको बता रहा हूं इसमें दिया क्या है, वही चीज दिया है जिसका आप लोग का इंतजार है। यहां पर देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक हाईकोर्ट में 550 पदों पर असिस्टेंट की जो होने वाला है बहाली, असिस्टेंट का बहुत अच्छा जॉब है ये, समझ लीजिए बहुत अच्छा है असिस्टेंट का, और इसमें होने का मतलब कि आप समझिए कि बहुत ही अच्छे जगह पर चले गए। ठीक, तो ये 550 से अधिक तो ये हाईकोर्ट में होने वाला है, इस पर कभी अलग समय आपको बात करूंगा। यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, मतलब मैं पढ़कर सुना रहा हूं, धुंधला थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, डायल 112 को लेकर पहले चरण में बहाल होने वाले पुलिस और गैर पुलिस संवर्ग, यानी पुलिस भी होंगे इसमें गैर पुलिस संवर्ग भी होंगे, टोटल देखिए 7808 जो है पदों पर लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इसमें सबसे अधिक 5856 पदों पर सिपाही और चालक सिपाही, अच्छा खासा चालक सिपाही है, बार बार ड्राइवर के आपको इंतजार कर रहे हैं ड्राइवरी लाइसेंस बनवाकर, इसमें अच्छा खासा आपको चालक सिपाही भी होने वाला है और जो कांस्टेबल की भर्ती होता है समान वो भी होने वाला है, जो कि 12th पर होता है इसमें भर्ती। ठीक, सिपाही और इसमें अधिक से आपको दिखेगा 5856, तो ये सिर्फ बताया जा रहा है कि इसमें आपको चालक सिपाही होने वाले हैं। ठीक, और आपको कांस्टेबल होने वाला है। फिर आप देखिएगा कि यहां पर देख लीजिए, एक मिनट, यहां पर देखिए सिपाही और चालक सिपाही की बहाली होगी। इसके अलावा 159 जो है, यहाँ पर देखिए 159 पदों पर इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर का जो पद होता है 159 होता है, इंस्पेक्टर का पद ज्यादातर देखिएगा बिहार में मैक्सिमम जो पद होता है वो आपको किससे भरा जाता है, तो प्रमोशन से ही ये आपको बढ़ जाता है, जैसे कि हेड कांस्टेबल का पद प्रमोशन से होता है, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, और एएसआई का भी बिहार में ज्यादातर पद जो होता है ये आपको रिजर्वेशन से ही भरा जाता है, यानी रिजर्वेशन ही प्रमोशन से भरा जाता है, क्या होता है प्रमोशन से भरा जाता है। ठीक, इस चरण में कुल देखिएगा 7808 पदों पर बहाली से राज्य सरकार पर सालाना जो आएगा ये देख लीजिए इतना करोड़ रुपए खर्चा, तो खर्चा से हमको क्या मतलब है, हम लोगों को बहाली से मतलब है, आप लोगों को बहाली से मतलब है, खर्चा कितना भी आए बहाली तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि और काम के लिए तो खर्चा हो रहा है, पुल बना दिया जा रहा है, ढह जा रहा है, लेकिन उसमें भी तो खर्चा हो रहा है ना। अब यहां पर देखो पहले चरण, देखिए यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि कर्मियों की तैनाती होगी, पहले चक्र में कमांड और कंट्रोल सेंटर के लिए 391 कर्मियों की आपको आवश्यकता पड़ती है, फिर इतने इसका खर्चा दिया हुआ है, यानी कि फिर 40 पुलिस जो मुख्यालय है वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, 400 वाहन की जरूरत पड़ेगी, अब 400 वाहन रहेगा तो ड्राइवर भी जरूरत रहेगा, और एक ड्राइवर आपको 8 घंटा काम करेगा तो अटली की 24 आप देख सकते हैं कि एक आपको जो वाहन के लिए 3 ड्राइवर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम है। इमरजेंसी सपोर्ट में क्या होता है कि तत्काल आपको भेजना होता है, तो ड्यूटी भी बड़ा हार्ड होता है, 8 घंटा में काफी लोग थक जाते हैं। ठीक, और भी स्टेट का अगर उदाहरण देखिएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, वहीं आपको बिहार में भी लागू किया जा रहा है। ठीक, ये अच्छा चीज है, ये होना भी चाहिए। अब यहां पर देखिए कि
7311 कर्मियों की जरूरत बताई गई है पहले आपको चरण में अगर देखा जाए तो, और 400 वाहन भी है। इन 400 वाहनों को आपको देखिएगा प्रबंध पर सलाना जो आएगा 392.56 करोड़ रुपया आएगा। तो ये सब पैसा के बारे में कहा, मतलब पैसा के बारे में भी इसमें दे दिया गया है तो उससे हम लोग मतलब नहीं है। अब आगे देखिए, आगे स्लाइड में आपको टोटली जानकारी दिया हुआ है, आगे के स्लाइड में आपको कर रहा हूं। ये देखिए, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस जो कि सर्कुलेट किया गया है, ठीक। और ये कहां से किया गया, तो गृह विभाग आरक्षी शाखा, ये साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा है, आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ईआरएसएस जिसे बोला जाता है, 112 डायल कहा जाता है, 112। ये हर जगह आप देखिएगा, पटना का हर जगह पर ये हेडिंग लगा हुआ है। वर्तमान में ईआरएसएस परियोजना देश के लगभग सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। परियोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके लिए बिहार, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ आपको, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, अब यहां से दिखाई देगा, ठीक। यहां से देखिए घटक है, इसके लिए बिहार पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया गया है। परियोजना की महत्ता को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा परियोजना, यहां पर देख सकते हैं बिहार जो परियोजना है, एक मिनट, कहां भाग गया, हाँ यहां से देखिए, ये जो परियोजना है इसको आपको करना है, और ये बिहार पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया गया है। महता को देखते हुए 31/3/2021 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में, आप देखिएगा कि ये मंत्रिपरिषद की बैठक हुआ तो उसमें बलों की आवश्यक मानव संसाधन बल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, उक्त कारणों से अतिरिक्त पुलिस बल के सृजन का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक बिहार पटना द्वारा ये भेजा गया था, यानी कि ये 2/9/2021 द्वारा, ये देखिए 2021 से ही काम होने शुरुआत हो गया, 2018 से ही इस पर बात होने शुरू हो गया था, ठीक। अब ये जो चीज है कि इतना आपको डायरेक्ट देखिए, आप ईआरएसएस लागू कर रहे हैं और जो सामान्य पुलिसकर्मी है वहां से पुलिसकर्मी उठाकर इसमें डालिएगा तो विशेष बात है वहां पर घटेगा, वहां पर तो ऐसे ही पहले से कम है तो यहां पर भी आपको जरूरत पड़ जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो इसके लिए ये अलग से एक आपको बनाया गया है और अलग से इसकी नई भर्ती आपको कराने की योजना है, ठीक, सुचारू रूप से। और इसके लिए आप देखिएगा कि पैसा का भी आवंटन किया गया है, अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये टोटल है, यहां पर देखिए पूरा स्लाइड में लगाया हूं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये सब बताया गया है कि कैसे कैसे प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, तृतीय पाली में, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग पाली में, जैसे कि पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, सिपाही जो कॉल रिस्पॉन्स देंगे, ये देखिए ये भी आपको अच्छा खासा पद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 315 तो खाली जो कॉल को रिस्पॉन्स देंगे, यानी कॉल कीजिएगा आपको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो वो तो सिर्फ कॉल उठाने वाले, इनका भी जॉब है, ठीक। बाकी यहाँ पर देखिए अलग अलग सब जोड़ जाड़कर इसमें दे दिया गया है कि अलग अलग, जैसे कि प्रथम पाली, द्वितीय और तृतीय पाली में कैसे कैसे आपको ये भर्ती होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दिनांक 11 मार्च 2022 को अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक द्वारा ये सभी जानकारी आपको जो दिया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए ये जो पद आपको सृजित किया गया है इसमें भी आपको टोटल जानकारी दिया गया है कि कुल वांछित मानव संसाधन यानी पुलिस कर्मियों के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको पुलिस अवर निरीक्षक है यानी दरोगा का जो पोस्ट है ये अलग अलग, यानी प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, कुल यहाँ पर जोड़ दिया गया है और कुल यहाँ पर जो पोस्ट दे दिया गया है इसमें देखिएगा 828 पद है, ये 828 पद है। और इसमें आप देखिए 400 वाहनों के भी संचालन हेतु आपको विवरण सब दिया गया है कि पुलिस कर्मियों की कितना जरूरत पड़ेगा 400 वाहन के संचालन हेतु। देखिए यहाँ पर 2380 आपको तीनों पाली में, तीनों पाली कहने का मतलब की 8-8 घंटा की जॉब है ना, ये 8 घंटा की जॉब है, 8 घंटा बाद फ्री आप, अगला आपका 8 घंटा कोई और करेगा, सो ये बहुत खतरनाक जॉब होता है, इसे भी आसान मत लीजिए, खतरनाक कहने का मतलब कि आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, अच्छा खासा ड्यूटी, आपको थकान हो जाएगा 8 ही घंटे में, क्योंकि ये जल्दी जल्दी कोई भी जगह पर पहुंचना है आपको, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए 400 वाहनों के प्रति वाहन हवलदार सिपाही भी होंगे, वाहन होगा तो भाई उस पर बैठने वाले पुलिसकर्मी भी होंगे, दरोगा भी होंगे, हवलदार भी होंगे, हेड कांस्टेबल भी होंगे, सब लोग होगा, तो उसके लिए ये सभी जानकारी आपको दिया गया है, ठीक। अब वाहनों की दृष्टि से ही आप लगा सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इसमें भर्ती होने वाला है और कितना पैसा भी खर्चा होगा। यहां पर देखिए चालक सिपाही का भी पोस्ट अच्छा खासा 1065 है, ये साफ साफ दिया हुआ है आपके सामने, सब ये झलक रहा है, ठीक। हवलदार का भी पोस्ट देखिए इसमें दिया हुआ है 990 है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज आपको बस ऐसे ही फेक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से है, आपको गृह विभाग से ये आपको नोटिस सर्कुलेट किया गया है, ठीक। टोटल अगर देखा जाए तो 7311 है, टोटल जोड़ लिया जाए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हवलदार, सब चीज इसमें, दरोगा जोड़ लिया जाए तो इसके बाद, और फिर यहाँ लेवल भी दिया हुआ है, जो कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर पटना के संचालन हेतु मानव संसाधन की जरूरत है वह यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसमें पुलिस निरीक्षक जो होते हैं, इंस्पेक्टर के बारे में, ये लेवल 7 का जॉब होता है, दरोगा जो होता है लेवल 6 का होता है, सहायक और निरीक्षक यानी एएसआई के बारे में बात कर रहा है, ये भी इसमें भी आपको भर्ती आएगा। पदों की संख्या देखिए 28 दिया हुआ है, ये किसके लिए, तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए, 40 जो जिला है उसके लिए अलग है, पटना के लिए अलग है, ये सभी आपको
तीन भाग में आपको डिवाइड कर दिया गया है कि कहां कहां पर कितना जरूरत है, ठीक। फिर सिपाही का आप देखिए, सिपाही का भी 315 चाहिए, कहां के लिए, तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए, और ये लेवल तीन का जॉब होता है सिपाही, टोटल 391 चाहिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए, ठीक, जहां से कमांड किया जाएगा उसके लिए, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं, यहां से देखिए, यहां भी दिया हुआ है कि 400 वाहनों के संचालन हेतु मानव संसाधन की जो जरूरत पड़ेगा, जो अलग अलग, जैसे पुलिस अवर निरीक्षक के 138 पद चाहिए, लेवल 7 का ये जॉब है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस अवर निरीक्षक के 828 चाहिए, वो भी वहां पर समझा दिया गया, लेवल 6 का है। फिर यहाँ पर पुलिस मुख्यालय में जो डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मानव संसाधन है कि पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, जो जो रिस्पॉन्स देगा, उसके लिए आप देखिए ये पूरा इसमें दिया हुआ है कि पुलिस अधीक्षक जहां पर जैसे क्वार्टर होगा ना, उस हेडक्वार्टर के लिए ये दिया हुआ है, बाहर के लिए नहीं, कि बाहर मोह नहीं जाएंगे, ये हेडक्वार्टर के लिए तैनात रहेंगे। पुलिस अधीक्षक देखिए 2 होंगे, पुलिस जो अपर पुलिस अधीक्षक 1 होंगे, पुलिस उपाधीक्षक 6 होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो सहायक अवर निरीक्षक का 14 पोस्ट है, पुलिस अवर निरीक्षक का 18 पोस्ट है, टोटल 106 ये पोस्ट हो जाता है, इसका अलग अलग लेवल है, ठीक। कुछ जो भर्ती होता है वो बीपीएससी निकालता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है कि जो ईआरएस सहायक परियोजना प्रथम चरण संचालन हेतु अनुमानित जो वार्षिक आपको समेकित वित्तीय बिंदु बार आएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यानी कि पैसा के बारे में ये बताया हुआ है, ये सब कहां के लिए बताया। देखिए 40 जो है यहाँ पर, यहाँ से देखने की जरूरत है आपको, 40 जो आपको जिला है, पुलिस मुख्यालय जिला, यहाँ पर ये आपको देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है 2 नंबर पर। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है इसका टोटल 391 है, ये 7311 है, और डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए 106 है, टोटल देखा जाए तो 7808 है, 7808 टोटल है यहाँ पर, और इसमें ही अलग अलग जगह पर दरोगा। तो बहाली जब होगा दरोगा का, तो वो तो बीपीएससी ही कराएगा, कांस्टेबल का बहाली होगा तो सीएसबीसी कराएगा, ड्राइवर का होगा तो सीएसबीसी कराएगा, और उसके ऊपर लेवल होगा तो बीपीएससी कराएगा, दरोगा से ऊपर लेवल वाला। बाकी तो आप देखिएगा अलग अलग, जैसे बिहार पुलिस से भी लोग लिए जाएंगे। तो ये जानकारी सब दिया हुआ है कि कितना पैसा खर्चा आएगा, क्या क्या उनको मिलेगा, कहाँ रेंट मिलेगा, कौन क्षेत्र में रहेंगे, तो कितना पैसा होगा टोटल, ये आपको एक तरफ से सरकार को भेजा गया विवरण है। और ये कहां से आया है, तो वित्त जो विभाग है वहां से ये चीज आया है, और वहां पर ये बताया गया था कि इतना पैसा लगेगा, हम ये चीज कर रहे हैं, तो पैसा भी तो आवंटन होना चाहिए ना, तो ये चीज होता है। बस अब समझने की कोशिश की, 240 जो पुलिस जिला है उसमें सृजित होने वाले जिलावार वार्षिक जो विवरण दिया हुआ है, व्यय का विवरण, ये ऊपर दिया हुआ है, ठीक। फिर बाकी देखिए अररिया दिया है, औरंगाबाद, बहरा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, नालंदा, छपरा, बक्सर, रोहतास, ठीक, ये सभी इसमें विवरण दिया हुआ है, कितने कितने जरूरत होगा, कितना कुल पद होगा। यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या दिया हुआ है, जिला का नाम दिया हुआ है, कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है, और ये आपको टोटल यहाँ पर पद दिए हुए हैं, ठीक। फिर इनका वेतनमान दिया हुआ है, फिर कितना कितना पैसा मिलेगा, चिकित्सा के लिए कितना मिलेगा, राशन भत्ता कितना मिलेगा, चालक भत्ता कितना मिलेगा, एक माह का वेतन कितना मिलेगा, ये सभी दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस अवर निरीक्षक का एक माह का वेतन है 55,072, यानी कि 50,000 से ऊपर आपको पेमेंट मिलने वाला है, ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है इस जिला में अगर आप तैनात रहेंगे तो, ठीक। फिर बांका, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, भभुआ, शिवहर, नवगछिया, शेखपुरा जिला में अनुमानित जो विवरण दिया है ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको देखिए, अगर यहाँ पर देखिए पुलिस अवर निरीक्षक की हम बात करें तो यहाँ पर भी 70 जो सीट दिखाया दिया है, और यहाँ पर देखिए इनका जो वेतन होगा एक माह का वेतन देखिए ये 54,364 है, और यहाँ पर देखिए 55,075 है, तो दोनों में अंतर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपको ये चीज आपको दिया हुआ है, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही ये आपको भेजा गया था। और देखिए यहाँ पर भी दिया है कि आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली ईआरएसएस जो है डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेतु जो स्ट्रक्चर है उसके लिए ये दिया गया है, 106 जो पोस्ट बनाया गया है उसका कितना कितना पैसा मिलेगा। तो पैसा तो अच्छा खासा मिलने वाला है, बस अब ये आपके मन में होगा कि ये भर्ती कब आएगा। देखिए दरोगा का एक भर्ती जो होने वाला है 21 से लेकर 28 फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, दरोगा का एक भर्ती आपको कोई देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो चीज है देखिए डिले होने का कारण, इसमें कोई टीचर डिले नहीं करता है या कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग डिले करते हैं, सरकार जो होता है वो अपना काम करता है, वित्त मंत्रालय के पास जाता है, उसे वहां पर डिले, तो सब तो टेक्टिक सरकार का ही होता है, अनाउंस करना भी भर्ती का उन्हीं का काम होता है, डिले करना भी उन्हीं का काम होता है, बस एक महीना डिले कर दो तो बहुत से लोग क्या होंगे, एज से बाहर हो जाएंगे, बहुत से लोग एज से बाहर हो जाएंगे, बहुत से लोग अंदर भी हो जाएंगे, तो ये उन्हीं का काम होता है, ठीक। और ये बहुत ही गंदा काम है, बिहार में जो ये काम होता है बहुत गंदा काम है। तो ये जो दरोगा के लिए मैं सिर्फ डेडिकेटेड बताया, कांस्टेबल वाला मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि कांस्टेबल में कौन कौन विभाग में कितना पोस्ट खाली है, उस पर मैं अलग से बताऊंगा। तो ये टोटल दरोगा के लिए पोस्ट था, और दरोगा के लिए आपको कौन लेता है एग्जाम, आपको पता होना चाहिए कि ये लेता है बीपीएससी लेता है, ग्रेजुएशन पर होता है, 2 पेपर होते हैं, पीटी होते हैं, मेंस होते हैं, पीटी में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से मेरिट आपको लाना होता है 20 गुना रिजल्ट में अपना, मतलब 20 गुना रिजल्ट में लाना है, मेरिट उस पर नहीं बनता है, तो 20 गुना रिजल्ट के लिए भी अच्छा खासा आपको स्कोर होना चाहिए। फिर आपको जो 20 गुना लोग चुने जाते हैं उनको फिर क्या किया जाता है, मेंस के लिए भेजा जाता है, सो मेंस में बैठते हैं,
तो मेंस में बैठते हैं तो फिर दो पेपर होता है सामान्य हिंदी का, सब फर्स्ट शिफ्ट में हो जाता है जो जिसमें लगभग सभी लोग पास ही कर जाते हैं, 30% लाना होता है। फिर आपको सेकेंड जो होता है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का होता है, उसमें भी 2 घंटा मिलता है, उमर सीट भी रंगना होता है उसी में क्वेश्चन बनाकर, उस पर आपको मेरिट लिस्ट बनता है, लेकिन फिजिकल के बाद बनता है। मेरिट लिस्ट कब बनता है? फिजिकल, पहले मेंस पास करो फिर फिजिकल दो, फिर फिजिकल के बाद भी मेरिट लिस्ट बनता है, क्योंकि हजारों स्टूडेंट जो होते हैं मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो जाते हैं। बहुत तगड़ा कंपटीशन है बिहार में, दरोगा का क्रेज बहुत ही अच्छा है। अभी जो दरोगा बने हुए हैं, अब उनसे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं दरोगा जो बने हुए हैं, तो क्या अभी क्रेज है, क्योंकि जहां पर वो तैनात होते हैं अगल बगल का क्या उनका मानसिकता है ये भी। हाँ, जैसे जैसे युवा लोग जाएंगे, जैसे जैसे ईमानदार लोग जाएंगे, तभी जाकर सुधार भी होगा, वरना आप जान रहे कि दरोगा जी बिहार में क्यों फेमस है, दरोगा जी बिहार में क्यों फेमस है, और दरोगा जी पर कितना गाना भी मिला हुआ है, मतलब निकला हुआ है, वो भी आप जान सकते हैं। ठीक, तो वो चीज़ को, वो जो धारणा बना हुआ है उसको खत्म करना पड़ेगा। युवा और नया शक्ति, नया जोश के साथ आप जाइएगा, दरोगा बनिएगा और नया बिहार बनाने की कोशिश कीजिएगा, या नया बिहार कहने का मतलब कि ऊर्जावान बिहार, बिहार के जो युवा है उनको एक डायरेक्शन देने की आपकी भी जरूरत है, क्योंकि प्रशासन भी एक ऐसा चीज़ है जो बहुत से लोगों को निगेटिव की तरफ मोड़ देता है, तो वो काम नहीं करना है। और मैं भी आप लोगों की तैयारी में पूरा दिन रात एक कर दूंगा, और फिर आप देखिएगा कि मैं 5 तारीख से, 5 फरवरी से जो आपको टेस्ट एक अपलोड होने लगेगा, मिनी मॉक टेस्ट, और उसका भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेवल वही होगा जो बिहार दरोगा का होता है। ठीक, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो जरूर लिखिएगा। 3 भर्ती दरोगा का आपको देखने को मिलेगा इसी साल में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।